हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं यूपीएससी सीएससी सक्सेस स्टोरीज को लेकर और डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स को लेकर, और साथ ही कभी कभी हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर जो उसी दिन ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह आए हों। जैसे कि आज का टॉपिक है, आज जो बहुत ख़ास खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं जो कि 4 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलनी थी, और ऐसा भी था कि सीबीएसई की इन बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत 4 मई से ही होनी थी। 6 मई को 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए इंग्लिश की परीक्षा आयोजित की जानी थी, लेकिन देश भर में कोरोना महामारी के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों, सीबीएसई 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। हाल फिलहाल ऐसा है कि 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, लेकिन 10वीं के नतीजे बोर्ड द्वारा तैयार किए गए मापदंड के आधार पर ही तैयार किए जाएंगे। हालांकि रद्द कर दिए गए हैं एग्जाम स्ट्रेंथ के, लेकिन क्या मापदंड है और किस तरीके से बोर्ड वो रिजल्ट तैयार करता है उनके आधार पर उनका आकलन किया जाएगा। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं बाद में होंगी और बोर्ड 1 जून को पूरी स्थिति की समीक्षा करेगा। परीक्षाओं की शुरुआत से पहले कम से कम 15 दिनों का नोटिस भी दिया जाएगा, इसलिए घबराएं नहीं कि अचानक अगर एग्जाम आ गए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास समय होगा अपनी तैयारी के लिए। ये जानकारी हमें शिक्षा मंत्रालय ने दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने कहा कि 4 मई से 14 जून तक आयोजित होने वाली 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 10वीं क्लास के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में भेजा जाएगा, और अगर कोई छात्र मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है तो उसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना से हालात जैसे ही सामान्य होंगे वह सामान्य रूप से अपनी परीक्षाएं दे सकता है। ये जो फैसला लिया गया, ये सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने या आगे बढ़ाने को लेकर उठ रही मांगों के मद्देनजर पीएम मोदी जी ने आज शिक्षा मंत्रालय के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में बैठकर पूरे मामले की जानकारी ली और फिर ये फैसला लिया। इसी बैठक में फैसले के बाद ही शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं को रद्द और स्थगित करने की घोषणाएं भी की। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई अन्य नेताओं ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरों के मद्देनजर सीबीएसई परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की थी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि मुझे खुशी है कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द की गई हैं, लेकिन 12वीं कक्षा के बच्चों के मन में जो चिंता बनी रहेगी उसको भी दूर किया जा सकता था। मैं अपील करता हूं कि 12वीं कक्षा के छात्रों को भी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाए। तो देखते हैं अब आगे इसका क्या नतीजा निकलता है, क्या 12वीं की परीक्षाओं को भी रद्द किया जाएगा और आंतरिक मूल्यांकन के तौर पर निर्णय लिया जाएगा, या फिर वो स्थगित होकर बाद में होंगी। ये सब हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो फिर मिलूंगी मैं आपसे यहीं प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, लेकिन तब तक आप और भी चीज़ें देखते रहिए, अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए, करंट अफेयर्स से जुड़े रहिए और हमसे भी जुड़े रहिए। तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक ना किया हो तो। थैंक यू। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं।
जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें अमेज़न, फ्लिपकार्ट या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।